ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप के न्यू एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं गाइस, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए गाइस मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ अगर आप इसको इजी स्टेप में सीखना चाहते हो तो गाइस आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्टेप बाय स्टेप मेरे सभी जो जो चीज़ मैं बताऊंगा उस चीज़ को फॉलो करना, तभी आप अपनी फोटो को एडिट करने जाना, ठीक है। पहले मेरी जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको पहले देख लेना ध्यान से, फिर जाना फोटो एडिट करने। एंड बाकी गाइस अगर अभी तक आपसे मैंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले आप सभी को तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है गाइस यहाँ से ऐड फोटो में, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को पहले अपने मॉडल को ऐड करना है, तो यहाँ से हम सिंपली अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस जब आप मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस इसका मतलब ये नहीं कि आपने जब मॉडल को ऐड किया तो हो गया, बट अभी इसमें आपको कुछ चेंजेस भी करना है, तो आप पहले ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो गाइस जब आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस उसके बाद जो आपको अपने मॉडल को ले जाना है इफेक्ट में, इफेक्ट में ले जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर्स का, आपको सिंपली इसमें ले जाना है। एंड उसके बाद आपको ले जाना है ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस पर जाने के बाद जो आप इस पर टैप करोगे तो कुछ ऐसा अमाउंट आएगा, ठीक है। तो आप उसको अमाउंट को जो है 63 तक रखना है, फिर रिजर टूल में जाकर आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको ये करना है, आपको जो है नीचे से मतलब पहले साइज इंक्रीज कर लेना है एंड नीचे से ऐसे पेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा मैं यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेता हूँ, एंड उसके बाद आपको ऐसे नीचे से पेंट करना है, जो आपको साइड में मतलब आपको चारों तरफ में ऐसे कुछ तरीके से पेंट करना है, ठीक है। ये गाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको मैं बताता हूँ, देखने का अभी आपको मैं फोटो में मतलब कितना मतलब अच्छा सा लुक आएगा इस वजह से। तो अभी देखिए यहाँ पे हम इसको डन करते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे देखिए गाइस एकदम हमारी फोटो जो डार्क हो गई, ठीक है, साइड से हमारी डार्क हो गया, एंड वैसे भी हमारी फोटो डार्क था, जो हमारा बैकग्राउंड था वो डार्क था, तो अब जो है हमारी फोटो अच्छी लग रही है। अब गाइस अपने मॉडल को जो है गाइस आपको इरेजर टूल में ले जाना है, एंड ओपेसिटी हार्डनेस पे कम करना है इरेजर का, एंड इरेजर लेना है, एंड गाइस साइड में जो है गाइस आपको इस तरीके से इरेज करना है। मतलब गाइस जो पीछे से आपको दिख रहा होगा गाइस जो ये मतलब कि डस्ट उड़ के आ रही है गाइस, वो आपको मतलब कि आपके बॉडी के ऊपर पड़ रही है गाइस, ये दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि मतलब ये रियलिस्टिक सा लुक आएगा, तो गाइस आप लोगों को ये भी करना है, तो उसको मैं आप अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारी फोटो यहाँ पे। अब गाइस क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी गाइस इसमें जो हम थोड़े से यहाँ पे एडजस्ट में जाकर इसका जो सैचुरेशन है हम उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि जो ये बैकग्राउंड से मैनेज हो जाए। तो अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब इसको हम कर लेते हैं डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फ्री करना है, आपको जाना गाइस अगेन ऐड फोटो में यहाँ से। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो आप सभी को ऐड करना है ये यहाँ से ये स्नेक का पीएनजी, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस जब आप इसको ऐड करोगे तो इसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे कम करना है, फिर रिजर टूल में जाना है, आपको यहाँ पे इसकी हार्डनेस फुल करनी है, ओपेसिटी यहाँ पे आपको कम कर लेना है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद जो भी गाइस मतलब इसमें जो भी फ्रंट पे पार्ट आ रहा है आपको उसको सिंपली इरेज कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से कर लेता हूँ पहले, एंड फिर बताता हूँ आपको फिर क्या करना है। ओके गाइस सो इतना काम हो जाने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी यहाँ पे फुल कर लेनी है अगेन, एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड आपको अपनी फोटो कर देना है डन। अब गाइस इसमें क्या करना है, आपको एक पीएनजी और लगाना है, तो उसके लिए जाएंगे मैट फोटो में, एंड यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे सिंपली। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपको गाइस सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, एंड फुल स्क्रीन करने के बाद जो इसके हल्की सी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है, अराउंड 65 तक रख लेना है, एंड कर देना है डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस लाइट रूम ऐप में तो यार बिना रिटच के हमारी फोटो मतलब अधूरी है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड जो इसका कॉन्ट्रास्ट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट जो है गाइस इसको हम यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज करेंगे, एंड जो शेडो है अब आपको जो शेडो को यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है, एंड जो यहाँ पे वाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा इंक्रीज करना है। फिर जाना गाइस आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस इसका वाइब्रेशन बढ़ाना है, एंड जो टेम्परेचर है इसको हल्का सा कम करना है। फिर आपको यहाँ पे कलर मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको हल्का सा माइनस करना है, जो ल्यूमिनस है इसको यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है यहाँ से रेड कलर में, एंड इसका जो सैचुरेशन आपको हल्का सा कम करना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर करना है, आपको लेना है ग्रीन कलर, आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है, एंड जो ये यहाँ से आपको डार्क ब्लू है आपको उसका सैचुरेशन हल्का सा कम कर देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको जो यहाँ से जाना है नीचे वाला टूल में, यहाँ पे गाइस आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो यहाँ पे विग्नेट, इसमें हल्का सा विग्नेट डाल देना फोटो में, एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रेन माउंट पे लेकर उसको बढ़ा देना है, एंड जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, एंड फोटो में जो नॉइज़ रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज़ रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ सभी से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।